आज हम बनाने वाले हैं गुड़ के आटे की पंजीरी। इसके लिए मैंने एक बड़ी कलछी देसी घी डाला है और हम इसके अंदर अब ये 250 ग्राम आटा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को अच्छे से भूनकर खूब इस तरीके से प्रेस करते हुए लगातार मीडियम लो गैस पर भूनकर रेडी करेंगे, जब तक हमारे आटे का कलर नहीं बदल जाए और इससे भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लगे, तब तक हम इसको लगातार इसी तरीके से भूनकर तैयार करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके से आटा भूनना है ताकि हमारे आटे में जो छोटे छोटे गोल गोल कण होती हैं वो भी अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। इतने आटे की पंजीरी बनाने के लिए मैंने ये 3.5 डेली गुड़ की ली है और ये मेरा 1.5 से 2 कटोरी आटा है, करीब आधा केजी आटा है। आप अगर मीठा ज्यादा खाते हो तो आप थोड़ी गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए पंजीरी में गुड़ डालने के लिए जो हमने डेले लिए थे उसको पॉलिथीन में रखकर इस तरीके से तोड़कर रेडी कर लिए। आप चाहे तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास जैगरी को गुड़ की चीनी हो तो आप इसकी जगह गुड़ की चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि आटे को आपको इस तरीके से स्पैटुला से प्रेस करते हुए भूनना है ताकि हमारे आटे के अंदर जो गोल गोल कड़ा रह जाते हैं वो ना रहे और हमारी पंजीरी बहुत टेस्टी बनकर रेडी हो। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको भून रहे हैं। गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है। ये मेरा आधा केजी आटा है और इस आटे को भूनने के लिए मैंने ये एक कलछी भरकर देसी घी डाला था, इसमें मैं इस आटे को भून रही हूँ। ये देखिए आटे ने हमारे कलर बदलना शुरू कर दिया है और इससे भीनी भीनी खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से भूनने से हमारे आटे में किसी भी तरीके के कच्चेपन के कण नहीं रहेंगे। अब मेरा आटा भी अच्छे से भुन चला है। अभी हम इसको और भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक और भूनेंगे। टोटल ये पंजीरी बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट में इस तरीके से पंजीरी बनकर रेडी हो जाती है। दोस्तों ये इस तरीके की भुनी हुई गुड़ की पंजीरी बच्चों को बड़ों को सबको बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। ये खाने में वाकई में बहुत टेस्टी होती है। एक बार आप इसको बना के ट्राई करिएगा। और हाँ, बच्चे हमारे जो दूध नहीं पीना चाहते हैं उनको दूध बिल्कुल नहीं पसंद होता, अगर आप उनको दूध में मिलाकर इसको देंगे तो इसका एक बहुत अच्छा सा यूनिक टेस्ट आता है। बच्चों को ये दूध में बहुत पसंद आएगा। ये देखिए जो हमने गुड़ तोड़ के रखा है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसको सारे आटे में मिक्स करेंगे। अभी ये आपको गीला महसूस हो रहा है, जब ये अब सारे आटे में मिक्स हो जाएगा तो ठंडा होने पर ये सूख जाएगा। फ्रेंड्स, जो हमने गुड़ डाला उसको भी हमें इसी तरीके से मिक्स करते हुए क्रश करते हुए हाथ स्पैटुला को दबाते हुए मिक्स करना ताकि हमारा गुड़ भी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। ये देखिए जो हमने गुड़ डाला था उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ये देखिए हमारी गुड़ की पंजीरी बनकर कितनी अच्छी रेडी हुई। अभी हम आपको दिखाते हैं कितनी खिली खिली बनकर रेडी होगी।
ये देखिए आप देख सकते हैं उस समय मेरा गुड़ गीला लगा था, अब ये देखिए मेरी गुड़ की पनीरी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई आसान रेसिपी लाती रहती हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं मेरी ये गुड़ की और गेहूं के आटे की पंजीरी बनकर कितनी अच्छी रेडी हुई है। ये देखिए दोस्तों मेरी पंजीरी बनकर कितनी अच्छी रेडी हुई है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई गुड़ और आटे की पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी।